असलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है मैं थोड़ा लालू खेत बर्ड्स मार्केट की तरफ गया था अपने बर्ड्स वगैरह को जो है वो सेल करने के लिए। और इसके अलावा जो है पिछले संडे को भी जो है वो मैं गया था, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी बहुत ही अच्छी चीज़ थी। वो चीज़ ये थी कि वहाँ पर जो है वो जार रेट का बाइकआउट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे पाकिस्तान के जो बर्ड्स लवर हैं या बर्ड्स पालते हैं बेचते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स के प्राइस जो है वो नहीं इंक्रीज़ हो पा रहा है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि माशरे जो हमारा एक मतलब जो प्राइस है जो हमारे प्राइस जा रहे हैं बर्ड्स वगैरह के, वो आप लोग जानते हैं कि बहुत कम जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बजरी वगैरह की, तो बजरी वगैरह के जो पेयर्स हैं हम बरसों से आज तक यही सुनते हुए आ रहे हैं कि 500-600 रुपये ही इनके प्राइस है, और कहीं सर्दियाँ हो गई इनके प्राइस जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहे। इसके अलावा फिंच वगैरह है जो कि आपको पता है पहले 100 रुपये की बिकती थी जब शुरू शुरू में मार्केट में आई थी, अब उनके जो प्राइस है वो 500 रुपये तक हो गए हैं और ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जार वाले बहुत ज़्यादा जो है वो कम रेट इनके लगाते हैं। और उसी बात ये कि जार वालों की वजह से हमारे जो बर्ड्स लवर हैं जो कि बर्ड्स बेचते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा बर्ड्स ख़रीदता है तो अगर वो जाल वालों से रेट पूछता है तो वो तो कहते हैं कि भाई जाल वाले इतने का दे रहे हैं और आप इतना महंगा दे रहे हैं। अब जैसे कि अब मुझे अपने बर्ड्स बेचना था 4,500 रुपये का, तो मुझे जो है वो प्राइस जो फेसबुक पे मिल रहे हैं वो 3,000 रुपये मिल रहे हैं जस्ट, लेकिन एक्चुअली प्राइस उसके 4,500 रुपये हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि लोगों के माइंड सेट हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं जानवरों का, और करना भी चाहिए जानवरों का बाइकआउट, क्योंकि ये हमारे परिंदों को जो है वो परिंदे नहीं समझते बल्कि एक कूड़ा क्रिकेट समझते हैं, और उसके ज़रिए जो है वो हमारे से जो है वो कम कीमत में माल ख़रीदते हैं और आगे जो है वो ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं। तो अगर बाइकआउट हो रहा है मतलब कराची के अंदर बर्ड्स वगैरह का, तो आप लोग इनका भरपूर साथ दें, और भरपूर साथ हमें देना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमने जाल वालों का बाइकआउट नहीं किया तो हमारे जो प्राइस वगैरह है हमारे बर्ड्स वगैरह के वो कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में हम लोग एक अच्छी इनकम कमाएं, एक अच्छा सरमाया जो है हम हासिल करें जाल वालों मतलब जाल वालों से अलावा हम लोग अच्छे जो है वो करें और हमारा एक अच्छा जो है बर्ड्स वगैरह के प्राइस वगैरह इंक्रीज हो, तो हमें चाहिए कि हम जो है जाल वालों के खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज करें, या तो फिर नहीं कर सकते तो बाइकआउट करें। आप लोग मार्केट वगैरह में ना जाए, आप लोग जो है वो फेसबुक वगैरह पर आप लोग लगा सकते हैं सेल्स वगैरह के, अगर वहाँ पर भी कोई जाल वाला आ जाए तो उसकी निशानी यही होती है कि जाल वाले कम रेट लगाते हैं, तो आप लोग जो है अपना माल कम रेट वालों को कभी ना दें, क्योंकि आपको पता है कि आपके माल की क्या वैल्यू है उनको नहीं पता। अगर आप उनको ये कहते हैं कि चोरी का माल नहीं है तो वो उल्टा जो है वो उल्टा सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बस यही कि अगर बाइकआउट हो रहा है कराची में तो आप लोग उसका भरपूर साथ दें, और हमें जो है वो नहीं जाना चाहिए किसी भी अभी आप मार्केट वगैरह में ना जाए, चाहे वो लालू खेत बर्ड्स मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, आप लोग वहाँ पर नहीं जाएं। आप लोग जो है एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी आप लोग करवा सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई इस तरीके से आप भी वीडियो बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि अपने जानवर अपने परिंदों की अगर आप लोग रेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप एहतजाज में भरपूर जो है अपना हिस्सा डालें और बाइकआउट करें इन तमाम जाल वालों का, क्योंकि इन लोगों ने जो है हमारे जानवरों को हमारे परिंदों की कीमतों को इतना कम कर दिया है कि दाना जो है इनसे ज़्यादा महंगा हो चुका है और परिंदे बहुत कम रेट में जो है मार्केट में मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है आपको सोचें कि 500 रुपये का पेयर पहले मिल रहा था बजरी का और अभी भी 500 रुपये का है, और दाना जो है वो महंगा हो गया है। जाहिर सी बात है एक बजरी को ब्रीडिंग से लेकर उसके बच्चे निकलने तक का जो सफ़र होता है वो तकरीबन 2-3 महीने का होता है। आप खुद हिसाब लगा लें 2-3 महीने के अंदर आप कितना दाना उसको खिलाते हैं, कितना पानी देते हैं, कितनी उसकी केयर करते हैं, भुट्टा देते हैं, सौ फूट देते हैं, हर तरीके से उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन वही बात है जब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो वही 500 रुपये का सेल हो रहा होता है, जो कि हमारे जो है वो एक हमारे जो है वो 3 महीने का भी जो है जो हमने खिलाया होता है पिलाया होता है वो भी हमारी जेब से नहीं निकल रहा होता, और ना ही वो लोग जो है हमें इतना पैसे देते हैं जो हमने 3 महीने उनकी केयर की होती है बच्चों वगैरह की। तो प्राइस कब इंक्रीज़ होंगे, जब होंगे जब हम एहतजाज करेंगे बाइकआउट करेंगे, और हमें बाइकआउट करना भी चाहिए क्योंकि ये लोग जो है हमें इंसान नहीं समझ रहे, हमें पता नहीं क्या चीज़ जो है वो समझ रहे और हमारे परिंदों को जो है कूड़ा क्रिकेट समझ रहे हैं। बस इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बाइकआउट करें,
और अपना जो है आप लोग अपने पर्स वगैरह की अभी फ़िलहाल अपने पास रखें, उनकी अच्छी केयर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें सुनने को मिलेगा रमज़ान मुबारक से पहले पहले के रमज़ान परिंदों के जो रेट है वो वापस इंक्रीज़ होना शुरू होगा, और ये बहुत अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब